उनके जैसा न कोई है और न कोई होगा। कुछ ऐसी स्पेशल हैं अभिनेत्री रेखा, हिंदी फिल्म्स की गॉर्जियस दीवा और बेहद प्रतिभावान हीरोइन के लिए उम्र के इतने पड़ाव तय करने के बावजूद आज भी कहा जाता है इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। रेखा गणेशन यानी अभिनेत्री रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन तमिल फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे और उनकी माँ पुष्पावली भी तेलुगु अभिनेत्री थी। रेखा भी उन्ही के पद चिन्हों पर चली। रेखा पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट चेन्नई की एल्यूमिनाई रही हैं। रेखा ने अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि उनकी फिल्मों में आने की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार में आर्थिक समस्या होने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। वे बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी भानुरेखा बताया गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली सीआईडी 999 से किया था, जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे। उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर एक सीन के विवाद के चलते रिलीज नहीं हो पाई। बाद में इस फिल्म को दो शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। अपनी विलक्षण प्रतिभा के चलते बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली रेखा की 1970 में दो फिल्में रिलीज हुई, तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम और हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि उनकी बॉलीवुड में अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू फिल्म मानी जाती है। सावन भादो हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गईं। बाद में उन्हें कई फिल्मों में रोल मिलने लगे, लेकिन वो एक ग्लैमर गर्ल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया। इन सब ने अच्छा कारोबार किया। अमिताभ बच्चन के साथ दो अनजाने में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन की लालची बीवी का किरदार निभाया था। फिल्म घर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया। उसी साल आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में वो एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट रही और रेखा का नाम उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार होने लगा। फिल्म की काफी तारीफ हुई और रेखा को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1980 में वो कॉमेडी फिल्म खूबसूरत में दिखाई दी, जिसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जिनके साथ रेखा का पिता बेटी का रिश्ता बन चुका था। ये फिल्म भी सफल हुई और रेखा को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए सराहा गया। इसे फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तो मिला ही, साथ ही रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद से फिल्म निर्देशकों ने रेखा को और नोटिस किया और फिल्मों में उन्हें कास्ट करने की खासी रुचि दिखाई। उनकी अमिताभ बच्चन के साथ आई ज्यादातर फिल्में हिट हुई। अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की भी काफी चर्चा होती रही। इसी बीच यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में वे अमिताभ और जया भादुड़ी के साथ नजर आईं। फिल्म में रेखा ने अमिताभ की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी, तो वहीं जया भादुड़ी ने अमिताभ बच्चन की पत्नी की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने अपनी हिंदी को भी काफी सुधारा, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ भी हुई। 1981 में आई फिल्म उमराव जान, ये फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आईं जो कि काफी हिट हुई। ऐसी ही एक फिल्म थी खून भरी मांग, जो 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रेखा आरती वर्मा और ज्योति की दोहरी भूमिकाओं में नजर आई थी। इसके लिए स्क्रीन की स्टनिंग ब्यूटी कहे जाने वाली रेखा ने मेकअप के जरिए खुद को बदशक्ल दिखाने में भी परहेज नहीं किया। फिल्म खून भरी मांग के लिए अपने सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए रेखा को उस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। पर्दे पर अपने किरदार को जीते हुए रेखा की डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशंस के उनके फैंस जबरदस्त कायल रहे हैं और इसके लिए उनकी खूब तारीफें भी हुई हैं। लेकिन पर्दे पर किसी और अभिनेत्री द्वारा जिए हुए किरदार के इमोशंस को सजीव करने की ताकत भी उनके अंदर है, ये साबित कर दिया फिल्म वारिस ने, जो 1988 में रिलीज हुई थी। फिल्म पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच अभिनेत्री स्मिता पाटिल की मृत्यु हो गई थी। फिल्म की डबिंग पूरी बची हुई थी,
जिसे पूरा किया अभिनेत्री रेखा ने अपनी इमोशनल डायलॉग डिलीवरी के साथ। कभी हंसमुख चंचल तो कभी धीर गंभीर, जिंदगी की सच्चाइयों से तालमेल बिठाती, हिसाब किताब करती रेखा अपने हर किरदार के साथ पूरा न्याय करती नजर आई हैं। कौन भूल सकता है 1980 में आई फिल्म कलयुग की सुप्रिया को, या 1981 में रिलीज हुई फिल्म विजेता की नीलिमा को, या कि फिर 1984 में आई फिल्म उत्सव की वसंत सेना को, जिसमें रेखा एकदम नए किरदार में नजर आई। औरत की जिंदगी के हर अंग को रेखा ने बड़ी शिद्दत से पर्दे पर जिया है, चाहे वो रमेश तलवार की फिल्म बसेरा हो, या कि फिर 1981 में आई फिल्म एक ही भूल, जिसमें उनके साथ थे जितेंद्र। 1982 की ही एक फिल्म का जिक्र भी करना जरूरी हो जाता है, जिसका नाम था जीवनधारा। इस फिल्म में रेखा ने एक अविवाहित नौजवान लड़की की भूमिका निभाई है, जिसके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। इस त्रासदी को निभाते हुए रेखा ने बड़ी शिद्दत के साथ इस रोल को पर्दे पर जीवंत कर दिया। यहाँ पर 1983 की एक फिल्म का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, जिसमें एक लॉयर की सपोर्टिंग भूमिका में उन्होंने काफी तारीफ जीती, और यहाँ तक कि उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन तक मिला। वो फिल्म थी मुझे इंसाफ चाहिए। 1990 के दौरान रेखा ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो कि खास नहीं चल पाई। इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म में काम किया। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने काफी अच्छा कारोबार किया और ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में पहली बार रेखा ने मैडम माया का नेगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी थे। 2000 आते आते उन्होंने फिल्में कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी। इस दौरान वे फिल्म बुलंदी में दिखाई दी। 2001 में वे फिल्म लज्जा में दिखाई दी। इसके बाद राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की मां के किरदार में पर्दे पर आई, और वहीं फिल्म परिणीता में एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आई। रेखा ने अपने 40 साल से भी लंबे करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। मुख्य धारा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीत लिया। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। प्रतिभाशाली रेखा को हिंदी फिल्मों की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइट इंक एंटरटेनमेंट।